अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी और आज हम एक सीरियल शुरू कर रहे हैं बुर्ज के हवाले से। 12 बुर्ज हैं, उनकी रोज़ाना एक वीडियो हम अपलोड करेंगे और आज जो हमारी पहली वीडियो है वो है कैप्रिकॉर्न यानी के जद्दी। जद्दी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। कैप्रिकॉर्न जद्दी इल्मे नुजूम का 10वां बुर्ज है। 23 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के दौरान पैदा होने वाले लोगों का ये बुर्ज होता है। बुर्ज जद्दी में कुल 17 सितारे हैं जिनको मिलाने से ऐसी शक्ल वाजिया होती है जैसे आसमान पर छलांगे मारती हुई सींगों वाली बकरी। यानी कि इसका जो लोगो है वो है एक बकरी की तरह सींग निकाले हुए एक जानवर, जो अक्सर आप देखते होंगे जद्दी कैप्रिकॉर्न के साथ। इनके बारे में कुछ अहम चीज़ें बताते चलें, जैसे कि खुशकिस्मत आदात इनके जो शामिल होते हैं वो 1, 4, 8, 10, 13, 17 और 19। इनका जो खुशकिस्मत दिन है वो है हफ्ता। इनका जो खुशकिस्मत रंग है वो है सुर्ख, भूरा और खाकस्तरी। खुशकिस्मत फूल रात की रानी। इनके लिए जो पत्थर होते हैं जैसे संगे, सुलमानी, याकूत वगैरह, ये पत्थर इनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इनका हाकम सियारा है जहल। दोस्तों अगर कोई लफ्ज़ मैं गलत बोल जाऊं या मुझे अदायगी में प्रॉब्लम हो तो आप उम्मीद हैं कि उस लफ्ज़ को समझ जाएंगे, मेरी ख़ता को मेरी गलती को माफ़ कीजिएगा। और आगे चलते हैं जद्दी अफराद के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात। जद्दी अफराद मोहतात और शर्मीले होते हैं, बेसाख्ता अमली और मौका से फ़ायदा उठाने वाले लोग साबित होते हैं। इनके अंदर सब्र तहम्मल भी पाया जाता है और नज़्म व ज़ब्त के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जद्दी अफराद हर मामले को समझने में सेकंड लगाते हैं, जब इनको तंग किया जाए तो बड़े ही बुरे तरीके से पेश आते हैं। ये लोग हमेशा आगे बढ़ने के मुतल्लक ही सोचते रहते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद बड़े ही काबिल एतमाद होते हैं और अपने वादे के पक्के साबित होते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये लोग हकायक और सबूत को तलाश करना चाहते हैं। जद्दी लोग इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अपने साथ हुए बुरे सलूक को ना कभी भूलते हैं और ना कभी माफ़ करते हैं। ये लोग बड़े ही चालाक वाकया हुए हैं और हर चीज़ को बेहतर तौर पर जांच और समझकर आगे बढ़ते हैं। जद्दी लोग जब एक बार नाकाम हो जाएं तो दूसरी बार ज़्यादा मेहनत और पुरजोर अंदाज के साथ वापस आते हैं। अपना फारिग वक्त हमेशा नए लोगों के साथ गुजारना ही पसंद करते हैं। बर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़े ही वफादार साबित होते हैं। इनमें हर चीज़ के बारे में अजाफी सोचने की सलाहियत होती है। दोस्तों के साथ पागलपन की हद तक लुत्फानंदोज और मज़ा लेते हैं। बर्ज जद्दी के साथ ताल्लुक रखने वाले खुद एतमादी के साथ दूसरों को अपनी जानब मतवज्जह करते हैं। बर्ज जद्दी वाले तन्हा वक्त गुजारना भी कोई आर महसूस नहीं करते, अपने ऊपर किसी भी किस्म के रोब और दबदबा का असर बिल्कुल भी नहीं लेते। बुर्ज जद्दी शख्सियत मुस्बत पहलू। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले लोगों में एक बड़ा मुस्बत पहलू ये है कि ये कोई भी कदम उठाने से पहले इस चीज़ के मुतल्लिक तमाम हकायक ज़रूर हासिल कर लेते हैं। तकरीबन हर लिहाज से ये लोग बड़े ही बाएतमाद, होशियार और पुरजोश साबित होते हैं। नज़्म व ज़ब्त, सब्र व तहम्मुल और मुस्बत रवैये के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अक्सर व बेशतर इनके मकासद बड़े ही होते हैं। जद्दी लोग सुलझे हुए और मिलनसार साबित होते हैं। जद्दी अफराद व ख़वातीन कदामत पसंद, फर्शनास, दयानतदार और काबर एतबाद साबित होते हैं। नई चीज़ों के बारे में आगाही हासिल करना इनके मिजाज का खासा है। इन लोगों को अपनी ज़ाती चीज़ों से शदीद लगाव होता है। बनिस्बत दूसरों की जद्दी लोगों में ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन ज़्यादा होती है। ज़रूरत के तहत दौलत और ताकत दोनों को हासिल करना ये अपना फ़र्ज समझते हैं। ये लोग हकीकी तौर पर जिम्मेदारियां निभाने के अहल होते हैं। ये लोग अपने मजबूत कुव्वत इरादे की बदौलत ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रहते हैं। अपनी काबिलियत के बलबोते पर सब पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। ज़िंदगी में किसी भी सूरत या किसी भी मरहले में इनको अपनी ज़ात पर काबू रखना खूब आता है। ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी और पेशावराना ज़िंदगी में किसी भी किस्म की पाबंदी खुद पर बर्दाश्त नहीं करते। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। ये लोग जिंदा दिल साबित होते हैं और किसी के साथ भी बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। जद्दी लोग छोटी और मामूली नाकामियों से दिल बर्दाश्ता कभी भी नहीं होते। इन लोगों को अपनी निजी और घरेलू ज़िंदगी से बड़ा ही लगाव होता है। हर चीज़ में अच्छे पहलू के साथ साथ मनफी पहलू भी ज़रूर होता है, तो हम बताएंगे आपको जद्दी के मनफी पहलू के बारे में। ये लोग कुछ मनफी सोच के हामिल भी होते हैं और अक्सर व बेशतर वो कुछ कर डालते हैं जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये अपने मौक़िफ पर डटे रहते हैं यानी फितरतन ढीठ होते हैं। शर्मीले भी होते हैं यानी सिर्फ अपनी करीबी दोस्तों की सोबत में लुत्फ़ अंदोज़ होना पसंद करते हैं।
हमेशा शकूक व शहाब से भरे हुए रहते हैं। दूसरों की बातें और नसीहतें इन पर बिल्कुल भी असर नहीं डाल सकती। यदि लोग खुदगर्ज होते हैं इसीलिए अपने ही बारे में सोचते हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए इंसानी इकदार को भी पसे पर्दा डालने से बाज नहीं आते। इस बुर्ज के हामिल अशखास कभी कभार सर्द मिजाजी का भी मुजाहरा कर जाते हैं। जद्दी लोग दौलत कमाने में इस कदर हर्ष में मुब्तला हो सकते हैं कि अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों और अजीजों की कुर्बानी देने से भी नहीं बाज आते। अपने मामलात में बेरहम भी हो जाते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले में किसी भी मामले में जल्द परेशान हो जाते हैं। अक्सर औकात ये अपना किया हुआ वादा भी भूल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी सख्ती के साथ पेश आने से नहीं कतराते। बुरजदी और प्यारो मोहब्बत। बुरजदी से ताल्लुक रखने वाले लोग चुनाचे ज्यादा जज्बाती नहीं होते, इसीलिए इश्क को मोहब्बत की जानब कम ही तवज्जो देते हैं। ये लोग हकीकत के ज्यादा करीब रहना पसंद करते हैं, इसलिए अमली जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। प्यारो मोहब्बत के जाल में खुद को फंसाना पसंद नहीं करते। अपने जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज का इस्तेमाल कम ही करते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं, इनकी मोहब्बत में खलूस और इस्तेकाम पाया जाता है और हमेशा अपने महबूब से वफात निभाते हैं। बुरजदी से ताल्लुक रखने वाले लोग चुनाचे हमेशा सच्ची मोहब्बत ही करते हैं, इसीलिए अपने महबूब से भी सच्ची मोहब्बत की तवक्का रखते हैं। बुरजदी हमेशा अपने महबूब को कीमती तहाइफ देकर हैरान करते रहते हैं, क्योंकि इनकी फितरत में किसी के साथ भी फ्लर्ट करना नहीं होता, इसीलिए एक वक्त में एक ही साथी रखते हैं। हमेशा अपने प्रेमी के साथ सुकून से रहने की कोशिश करते हैं। इनकी मोहब्बत में खलूस, चाहत और सच्चाई शामिल होती है, इसलिए इनकी जानब से ताल्लुकात के ख़त्म होने का चांस कम ही होता है। जिनके साथ भी ताल्लुक रखते हैं इसको शिकायत का मौका कभी भी नहीं देते। दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ इनका रवैया। बुरजदी से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने हंसी मजाक वाली फितरत की बदौलत दोस्तों का एक मजमा अपने इर्द गिर्द बनाए रखते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि जो भी इनके दोस्त बने वो लोग ईमानदार, वफादार, इन जैसी ही सोच के हामिल अफराद हों। अपने दोस्तों के साथ किसी भी त्यौहार में वक्त गुजारना पसंद नहीं करते। बुरजदी से ताल्लुक रखने वाले मर्द खवातीन अपने घर के अफराद के लिए मुस्बत जज्बात रखते हैं। दोस्तों के लिए बड़ी कुर्बानी देने से भी अक्सर गरेज नहीं करते। हमेशा अपने दोस्तों के लिए अपने जज्बात को छुपाए ही रखते हैं। कैरियर और रुपया पैसा। बुरजदी से ताल्लुक रखने वाले लोग कैरियर के मामले में कुछ ज़्यादा ही हसास वाक़िया हुए हैं। अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए नित नए तरीकों पर अमल पैरा रहते हैं। ये लोग आला पाए के मकासद रखते हैं और किसी भी काम को संभालने के इनके अंदर शानदार खसूसियात मौजूद होती हैं। ये लोग अपने हदाफ मुकर्र कर लेते हैं, फिर इस पर अपने तमाम तर तवज्जो लगन के साथ काम शुरू कर देते हैं। ये लोग बहुत ही मेहनती और जफाकश साबित होते हैं, इसीलिए अक्सर किसी भी शोबे में कामयाबी इन्हीं को मिलती है। बुरजदी से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिन शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इनमें माली अनवार के शोबे, दरसो तदरीस का शोबा और प्रॉपर्टी डीलर के शोबे शामिल हैं। अगर ये लोग अपनी पसंदीदा शोबों में मेहनत करें और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें तो इनको बड़ी कामयाबी हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये लोग नहायत जाफशानी के साथ कामयाबी के लिए कोशां रहते हैं। रुपए, पैसे और दौलत से इनको कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी होती है। अमूमन दौलत कमाने और इसको जमा करने की फिक्र में ही लगे रहते हैं। जदि लोगों को दौलत कमाने के नित नए तरीके खूब आते हैं और दौलत कमाने और आगे बढ़ने की बेशुमार मौके इन्हें मिलते ही रहते हैं। ये लोग पैसा खर्च करने में भी नहीं घबराते और अक्सर गैर मुल्की अशिया खरीदना ही इनकी फितरत में शामिल होता है, वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। बुरजदी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों की मनफी और मुस्बत खसूसियात। जद्दी मर्द अमूमन दरमियाना कद, छोटी आंखें वाले होते हैं। ये पुरएतमाद और काबिल भरोसा होते हैं। सब्र तहम्मुल और मुस्तहकम मिजाज इनकी नुमाया खसूसियात हैं। ये मर्द जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं, लेकिन फितरतन सर्द मिजाज होते हैं। इनकी एक बड़ी तादाद मजबूत कुव्वत अरादी के मालिक होती है। ये मर्द जिंदगी में आगे बढ़ने की बड़ी लगन रखते हैं। जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए अपने अजायम मुख्तलिफ अंदाज में बुरे का लाते हैं। महजब लोग होते हैं, इसीलिए दूसरों का बहुत एहतराम करते हैं। बाज़ औक़ात सख्त मिजाज बन जाते हैं और इनके नज़दीक दोस्तों की दोस्ती सिर्फ फ़ायदा मंदी पर ही मुनहसर होती है। जद्दी मर्द कोई भी फैसला करते वक्त सबका वाक़ियात का बग़ौर मुतआला करते हैं, अपनी दिली कैफियत का इजहार चेहरे से नहीं होने देते। इनके अंदर बेजा मुदाखलत करने की भी आदत होती है। ये मर्द तमाम फैसले और अमूर ज़िंदगी मुस्तकिल मिजाजी से सरंजाम देते हैं। ये लोग उजलत पसंद, जल्दबाज और जोशीले बिल्कुल भी नहीं होते, हर काम सोच समझ कर करने की ही आदी होते हैं। जद्दी मर्द अपने रोमानवी दौर में भी सैर व तफरी पर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन 40 और 50 साल की उम्र में इनके अंदर घूमने फिरने की ख्वाहिश पैदा होनी शुरू हो जाती है। अपनी ज़ात को
हर चीज से ज्यादा अहमियत देते हैं। जद्दी लोग अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई खुदगर्ज रवैया अख्तियार कर सकते हैं। इनकी जिंदगी का रास्ता सख्त भी हो सकता है क्योंकि लोग इनको गलत समझते हैं। ये मर्द हर किस्म के हालात में खुद को ढालने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। हर किस्म के हालात को हकीकत की आंख से ही देखना पसंद करते हैं। अगर कोई दूसरा इनसे कोई मशवरा मांगे, बिला तकल्लफ इसको मशवरा देते हैं। इस बज से ताल्लुक रखने वाले मर्द अक्सर खुश खल्क, अच्छी नीयत वाले और दिल के सखी होते हैं। नेकी के काम में कोशिश करने वाले होते हैं। जद्दी खवातीनों हजरात के लिए इत्यादि तदाबीर। ये बुज खाना मरीख है, सियारा इमाम हसन का है। इस बुज से ताल्लुक रखने वाले मर्द को चाहिए कि अपने दिल का राज किसी के आगे भी बयान ना करे। नमाज की अदायगी में कहाली और सुस्ती हरगिज ना करे। हराम और नाजायज माल की तरफ हरगिज तवज्जो ना करे वरना नुकसान उठाएगा। हसूल दुनिया के लिए काफी कोशिश कर सकता है लेकिन मिलेगा वही जो नसीब में होगा। दूसरों की इज्जत इतनी ही करे जितनी कि इन्हें दूसरों की जानब से इज्जत और एहतराम मिलता है। जद्दी मर्द के जिस्म पर एक तिल होगा जो दौलत और इकबाल की निशानी है। आखिरी उम्र के हिस्से में काफी माल हाथ लग सकता है। चार पांव वाले जानवर से नुकसान उठा सकता है। मगरबी जानब सफर करना मुबारक होगा। किसी को कर्ज ना ही दे तो अच्छा रहेगा। ख्यानत के मुतलक सोचे भी मत। बहन भाइयों की खिदमत गुजार होगा। बहुत जद्दी से ताल्लुक रखने वाले मर्द को जोड़ों का दर्द, घुटनों में तकलीफ और जलन की शिकायत हो सकती है। नया चांद देखकर कुरान पाक का देखना बेहतर है। अपनी हाजात की तकमील के लिए रबी अव्वल का महीना मुबारक होगा। 4 और 18 वर्ष की उम्र से अगर महफूज रहा तो इसकी उम्र 100 वर्ष तसव्वुर की जाएगी। हराम के माल और बुरी चाल चलन वाले लोगों से इसका दूर ही रहना चाहिए। इस बुज से ताल्लुक रखने वाले मर्द की किस्मत में औलाद बहुत लिखी होती है। इस बुज वाले आदमी के लिए महीना शाबान का और अंगूठी याकूत की रास आएगी। नया चांद देखकर जारी पानी देखे और कुरान पाक की भी तलावत करे। बुज जदी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की मुस्बत और मनफी खसूसियात। इस बुज से ताल्लुक रखने वाली खवातीन और लड़कियाँ दिलकश पुरकशिश वजूद की मालिक होती हैं। ये बड़ी ही अमल पसंद वाकया होती हैं। इनके स्टोर पैकर और परसहर शख्सियत के चाप से हर मर्द पहली ही नजर में इनसे मुतासर हो जाता है। ये सुकून पसंद होने के साथ साथ गैर जरूरी तौर पर परेशान भी रहती हैं। अमूमन उम्दा सलाहियत रखती हैं मगर रंग में भंग डालना इनकी सबसे बुरी आदत है। आला खुशसलूबी इनकी जिंदगी में नुमाया करदार अदा करती है और ना उम्मीदी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। बुज जद्दी से ताल्लुक रखने वाली सिर्फ नाजुक पर बैक वक्त कई मूड तारी रहते हैं। बिलाशुबा तमाम खवातीन अपने मूड की ही ताबे होती हैं। किसी के भी अच्छे और बुरे रवैये को जल्द ही नहीं। बुज जद्दी की औरत होशियार और फराग रोजी होती हैं। मायूसी से जल्द ही तारी हो जाती हैं। ये खवातीन अगर कारोबार शुरू करें तो अपने कारोबार को मर्दों से भी ज्यादा कामयाब करके आगे बढ़ा सकती हैं। शादी के मामला हो या फिर रोमांस का सिलसिला इन दोनों में ही सानवी हैसियत रखती हैं। इज्जत व वकार इख्तियारात और तहफ़ुज़ात को ज्यादा मुकद्दस समझती हैं। अपने जीवन साथी की दिल से इज्जत करती हैं। जिस औरत का ये बुर्ज होगा वो औरत ऊंचे कद की, साहबे मरूद, सखी, काम करने को जानने और समझने वाली, मोहब्बत करने वाली, इज्जत वाली, फराग रोजी वाली, नेक गुफ्तगार वाली और अमूर खानादारी में बहुत अकलमंद और होशियार होगी। जद्दी खवातीन लड़कियां दिल से कम और दिमाग से ज्यादा फैसला करती हैं और फिर इन पर अमल और पैरा हो जाती हैं। ये भी जद्दी मर्दों की तरह हकीकत परस्त होती हैं। ख्याली दुनिया में कम ही रहती हैं। रोमांस, इश्क, मोहब्बत, समाजी इज्जत और वकार और फ़राइज़ के मामले के दौरान इनका अफकार ख्यालात इंतहाई अनोखे और मुनफरिद होते हैं। अपने करदारों अमाल और उम्दा हकमत अमली की वजह से अमूमी तौर पर अपनी जिंदगी में कामयाबी नजर आती हैं। जद्दी खवातीन के लिए एहतियाती तदाबीर। बुज जद्दी खाना मुश्तरी है और बादी है। हजरत हवा का बुज है। इस बुज से ताल्लुक रखने वाली औरत को चाहिए कि अपने दिल का हाल किसी पर जाहिर मत करे वरना नुकसान का अंदेशा है। अपनी एक मुराद हासिल करने के लिए इसको चाहिए कि खैरात और सदकात के कसरत करे। बुज की नस्बत से इसकी किस्मत में काफी औलाद है। पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अगर बदन में सुस्ती कहाली रहती है खटाई वगैरह से परहेज करें। सूंड और शहद मिलाकर खाएं, इससे इनका जिस्म बेहतर होगा। जब भी नया चांद देंगे तो बुज जद्दी से ताल्लुक रखने वाली औरत को चाहिए कि सब्ज या फिर जारी पानी देखें। बुज की निस्बत से महीना इसे जुलहज और लबास सफेद और सब्ज रास आएगा। अपने बालों में फेरने वाली कंघी किसी को ना दें। बुज जद्दी से मुतल्लिक लोग खास तौर पर जुमा के दिन कौओं को जलेबियाँ और गाय को पालक खिलाएं। हफ्ते के दिन छत पर परिंदों को आबी दाने डालें। जानवरों में से किसी भी किस्म के जानवर की परवरिश नेक साबित होगी। दोस्तों ये था बुज जद्दी के बारे में कुछ अहम इंकशाफात या अहम मालूमात जो मैंने इंटरनेट से लेकर आप लोगों को दी है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी शामिल नहीं किया। अगर आप बुज जद्दी से ताल्लुक रखने हैं तो अपना कमेंट्स लाजमन करना है।
और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी मैं पेशगी माफ़ी चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए, और बाकी भी मैं बोझ के हवाले से इसी तरह मेहनत से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप किसी बोझ के बारे में मालूम चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा भाई, इसके बाद जो आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। मेरे बारे में कोई भी अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो ज़रूर बतानी है, ताकि मैं आइंदा से वो कोताही ना करूँ। आपकी रहनुमाई का मुंतज़िर, इन्फॉर्मेशन टीवी।